हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, इसको हमने देखा था। और आज हम देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी उत्पन्न कैसे होती है, बायोडाइवर्सिटी आती किस तरीके से। बहुत सिंपल वे में आप देखेंगे, एक जनरल अपन बोलते हैं, जैसे मान लिया जाए मैं हूं, मेरा बेटा बिल्कुल मेरी फोटोकॉपी नहीं होगा, कुछ न्यू करेक्टर दिखाई देंगे, या बेटी है तो अपने मदर की फोटोकॉपी नहीं होगी, उसमें कुछ वेरिएशन दिखाई देंगी। मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यहां पर ये वेरिएशन आता है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ध्यान रखना है, ये वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या हो गया आपका, ध्यान रखना है, यही है आपका विविधता। वेरिएशन या विविधता मतलब ये अपने को जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने को वेरिएशन दिखाई देता है। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे वेरिएशन आता क्यों है, लेकिन अभी सीक्वेंस को मैं पूरा कर रहा हूं यहां पर। अब देखिए, जो वेरिएशन आ गया, ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और आने वाले समय में यदि हम 25,000 साल बाद, आफ्टर 25,000 ईयर, या और भी मतलब अधिक साल के बाद, यदि हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन होगी या जो मानव जनसंख्या होगी, तो उस समय का मानव और जो वर्तमान मानव है, इसके कैरेक्टर को यदि हम कंपेरिजन करेंगे तो उसमें पर्याप्त भिन्नता दिखाई देगी, और इतना ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा कि उसको एक न्यू स्पीसीज के फॉर्म में कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब जब वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके कारण एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है यहां पर, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पेसिएशन बोलने का मतलब क्या है, नई जाति के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं यहां पर, स्पेसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी एक जनरेशन है, एक निश्चित समय के पश्चात उसकी जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाता है कि आने वाली जो नई जनरेशन है उसको एज ए न्यू स्पीसीज कंसिडर किया जाता है। और ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन ध्यान रखना, ये केवल हम लोगों में नहीं चल रहा है, ये वेरिएशन फ्लोरा एंड फाना मतलब जितने भी प्रकार के प्लांट हैं या जितने भी प्रकार की स्पीसीज है, सभी जगह स्पेसिएशन की प्रोसेस चल रही है। मतलब यदि हम आज बात करें, आज हम किसी लायन के कैरेक्टर को देख रहे हैं, और 25,000 साल के बाद या 20,000 साल के बाद जो लायन होगा उसके कैरेक्टर को वर्तमान में जो लायन है उससे भी हम कंपैरिजन करेंगे तो पर्याप्त अपने को भिन्नता दिखाई देगी, और वो आने वाली जो नई स्पीसीज होगी वो एक नई स्पीसीज के रूप में जानी जाएगी। अपने को ध्यान रखना है, तो जो स्पेसिएशन की प्रोसेस है या नई जाति के निर्माण की क्रिया, ये केवल मानव में नहीं चल रही है अपितु सभी जीव जंतुओं में ये वेरिएशन की प्रोसेस पाई जा रही है। और इसी के कारण अपने को दिखाई देता है क्या चीज, आपका ध्यान रखना है, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसी के कारण अपने को क्या दिखाई देता है यहां पर, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये देखिए, दोनों वर्ड का डिफरेंस को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले स्पेसिएशन देखिए, स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जाति के निर्माण की क्रिया को हम स्पेसिएशन कहते हैं, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मोर नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज, नई नई जातियों के निर्माण की क्रिया। आए ध्यान में, मतलब फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मोर नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज इज नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब एक जाति का निर्माण हो रहा है तो हम उसको स्पेसिएशन बोलेंगे, लेकिन एक से अधिक जातियों के निर्माण की क्रिया को हम देख रहे हैं या उसको स्टडी कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या कहलाएगी आपका, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे चल करके जो हम बायोलॉजी वाला टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मतलब नई जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैविक विकास, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल एक सीक्वेंस आप ध्यान रखना कि पहले क्या होता है, वेरिएशन, वेरिएशन के बाद स्पेसिएशन, स्पेसिएशन के बाद आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कारण ही अपने को दिखाई देती है बायोडाइवर्सिटी। इसी के कारण अपने क्या दिखाई देती है, ध्यान रखना आपको, जैव विविधता। मतलब जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हम देख रहे हैं वो किसका परिणाम है, तो परिणाम है किसका, आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का ही परिणाम है अपने को, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। ये इसका एक सीक्वेंस हो गया कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई बायोडाइवर्सिटी
के लिए सही सीक्वेंस क्या है, तो पहले वेरिएशन, फिर स्पेसिएशन, एंड देन ऑर्मिक इवोल्यूशन, एंड फाइनली बायोडायवर्सिटी। अब देखिए यहां पर अपन देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी का कारण क्या है, ठीक है, कि भाई ये जो जैव विविधता उत्पन्न हो रही है इसका रीजन क्या है, किस कारण से आप यहां आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बायोडायवर्सिटी का रीजन यदि आप देखते हैं, ध्यान रखेंगे, तो इसका जो सबसे मेन रीजन अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, ये क्या होगा आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जो सबसे मेन रीजन होगा वो क्या होगा, ध्यान रखना है आपका, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं या जो पढ़ाता हूं उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं या संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट उसमें नॉलेज क्या होता है, बहुत होता है। यदि हम चाहें तो बायोडायवर्सिटी की मोटी सी बुक है, उसको पढ़ते रहेंगे 3-4 साल तक का, हमारा कभी भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। तो हमको ये देखना पड़ता है, या किसी एक्सपीरियंस टीचर, आदमी ऐसे बार बार बोलता है कि भाई ज्ञानी एक से एक है, लेकिन पर्टिकुलर आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ये आपको वही व्यक्ति बता सकता है जिसने कभी एग्जाम दिया हो या जो कभी किसी एग्जाम में सक्सेस हुआ हो। तो ये एक मतलब बेनिफिशियल होता है कि किसी सेलेक्टेड पर्सन से हम जब पढ़ते हैं तो हमको टू द पॉइंट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आना है वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। तो अब यहां पर देखिए, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द मेन रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है, तो आप आंसर क्या देंगे यहां पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये ध्यान रखना, यदि ऑप्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, यहां पर ध्यान रखना, मियोसिस डिवीजन। उस केस में क्या मिलेगा अपने को, ये मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। मतलब जो हम कोशिका विभाजन की क्रिया को पढ़ते हैं तो कोशिका विभाजन में एक टाइप है मियोसिस डिवीजन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इसके बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे जब प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ेंगे, पादप प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, तो मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपको बताऊंगा। या जब अपन जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक, वहां पर अपने को मियोसिस के बारे में बताऊंगा। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है ध्यान रखना, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ तो मियोसिस डिवीजन लिखा रहेगा, या मियोसिस डिवीजन ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखा रहेगा वहां पर, आपका ये क्रॉसिंग ओवर लिखा रहेगा। ये ध्यान रखना बेस्ट आंसर। यदि ऑप्शन में नहीं है तब आपका क्रॉसिंग ओवर, यदि क्रॉसिंग ओवर भी ऑप्शन में नहीं है तो उस केस में क्या होगा आपका, मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन। मतलब ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जब अंडाणु जनन या शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस की जब प्रोसेस होती है तो वो मियोसिस डिवीजन की प्रोसेस होती है, और मियोसिस डिवीजन में एक स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। उस क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्या होता है कि जीन्स का एक्सचेंज होता है या वेरिएशन होता है। तो कुछ बच्चे जानते होंगे कि मियोसिस डिवीजन या क्रॉसिंग ओवर क्या है, लेकिन खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए बिल्कुल नई टर्मोलॉजी है। तो आगे चल करके मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका क्या रहता है कि बायोडायवर्सिटी का मेन रीजन क्या है, सबसे मेन रीजन क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे या तो ऑप्शन लिखा रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर क्या लिखा रहेगा, क्रॉसिंग ओवर। ये दोनों चीजें क्या है ये आगे चल के आपको मैं क्लियर करूंगा। दूसरा अपन इसके लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंस अपन किसको देते हैं ध्यान रखना, यहां पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा आपको यहां पर और भी टॉपिक मिलेगा। ये टॉपिक आपका मिल जाएगा कि आपका ये नेचुरल सिलेक्शन, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डार्विन की थ्योरी अपन पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी मतलब ये भी आपका जैव विविधता का एक प्रमुख कारण है कि बायोडायवर्सिटी कैसे उत्पन्न हुई। तो भाई नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन करने के लिए उसमें न्यू कैरेक्टर जनरेट होते हैं। एक सिंपल यदि हम देखते हैं कि भाई आज हम ये बोल रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के लोग बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, इंग्लैंड के लोग बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं और हम इंडियन लोग बिल्कुल डिफरेंट, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण क्या है आपका, एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब जिस पर्यावरणीय परिस्थिति में हम रह रहे हैं उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग एडाप्टेशन के लिए हमारे कुछ न्यू करेक्टर जनरेट होते हैं, उसके कारण क्या होता है, वेरिएशन आता है। और यदि हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग
हमारे में एडाप्टेशन नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या उस पर्यावरणीय परिस्थिति में जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन भी आगे चल के अपने को टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा, फिलहाल आप नाम बस याद रखेंगे। इसके अलावा अपने को मिलता है क्या यहाँ पर ध्यान रखना, ये आइसोलेशन। और क्या मिलेगा इसका कारण आपका, ये आइसोलेशन। आइसोलेशन पृथककरण। आइसोलेशन क्या हो गया, पृथककरण। तो आइसोलेशन या पृथककरण बोलने का मतलब क्या है, इसको भी हम एक वेरिएशन का कारण मान रहे हैं। आइसोलेशन को मैं आपको डिफाइन करूंगा कि पृथककरण की एक सिंपल अपन देखते हैं कि मान लीजिए हम एक सिटी में रह रहे हैं, उस सिटी में ही अलग अलग प्रकार के आपको लोग दिखाई देंगे। ब्राह्मण को देखेंगे, ब्राह्मण को सकल से आप पहचान जाएंगे कि मतलब ये ब्राह्मण है। किसी गुप्ता को देखेंगे तो गुप्ता एक तुरंत पता चल जाएगा कि ये गुप्ता है या बनिया है। आयथन में क्यों, क्योंकि एक आइसोलेशन है कि भाई ब्राह्मण जो है वो क्या चाहेगा, मैरिज रिलेशन किससे चाहेगा, ब्राह्मण से ही मैरिज रिलेशन करना चाहेगा। जो गुप्ता है गुप्ता में ही मैरिज करना चाहेगा। मतलब इस तरीके से जो मानव समाज है वो बिल्कुल एक समूह बना के दूसरे समूह से पृथक हो चुका है, आइसोलेशन शो कर रहा है। या अपन ये बोलते हैं वह वेस्ट इंडीज के लोग बिल्कुल डिफरेंट क्यों दिखाई दे रहे हैं और यूरोपियन पॉपुलेशन डिफरेंट क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यूरोपियन जो पॉपुलेशन के लोग हैं वो यूरोप में ही मैरिज कर रहे हैं, कोई अफ्रीका में जाकर के मैरिज नहीं कर रहा है, या कोई अफ्रीकन पॉपुलेशन का व्यक्ति यूरोप में जाकर मैरिज नहीं कर रहा है। मतलब ये आइसोलेशन इसी को बोला जाता है। और आइसोलेशन का जो पूरा डिटेल है ये थोड़ा 10 मिनट बाद हम पहुंच रहे हैं कि एक्चुअल में आइसोलेशन है क्या चीज। तो ये हुआ क्या हमारा आइसोलेशन। इस आइसोलेशन के अलावा और अपने को इसका जो कारण है वो क्या मिलेगा ध्यान रखेंगे, आपका म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन ये भी अपने को पढ़ने को मिलेगा। अभी ध्यान रखिए ये हमारी क्लास जो है बिल्कुल स्टार्टिंग है, इससे बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो अभी हमको क्लियर यहां पर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएंगी। भाई म्यूटेशन के बारे में भी आप केवल इतना जान रहे हैं, सडनली अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर, अचानक प्रकट होने वाले नए लक्षण, उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बोलते हैं। जीके में आपने पढ़ा होगा फादर ऑफ म्यूटेशन डीब्रिज, डीब्रिज नाम के साइंटिस्ट थे, उनको अपन क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन के जनक। तो म्यूटेशन, म्यूटेशन भी क्या है आपका, एक प्रकार का बायोडाइवर्सिटी या वेरिएशन का एक कारण होता है। तो फिलहाल तो आप ये सीक्वेंस मालूम रखेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी का रीजन क्या है। तो सबसे मेन रीजन क्या बताना है आपको, तो ध्यान रखेंगे यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंस किसको देना है आपको, नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड नंबर पे आइसोलेशन, फोर्थ नंबर पे आपका म्यूटेशन ये होता है। ये सबको एक एक करके हम आगे चल के डिफाइन करेंगे और इसी के बेस पर भाई जब वेरिएशन आएगा तो न्यू स्पीसीज बनेगी। अब आपको यहां पर मैं समझा देता हूं। देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वेरिएशन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वेरिएशन आता है। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आएगा, एक सिंपल देखिए कि भाई जैसे हम ये बोल रहे हैं कि भाई मान लिया जाए क्या है आपका ये फीमेल हो गई, ये क्या हो गई आपका ये फीमेल हो गई, और ये क्या हो गया आपका ये के मेल हो गया ये। अब इनसे जो बच्चे होंगे इस बच्चे में क्या है कि भाई मदर का भी करेक्टर दिखाई देगा और फादर का भी करेक्टर दिखाई देगा। मतलब ये जो बच्चा है ना तो अपनी मदर का फोटोकॉपी है ना ही फादर का फोटोकॉपी है, इसमें दोनों का करेक्टर मिक्स हो गए हैं और साथ में दादा दादी और नाना नानी के करेक्टर भी इनमें दिखाई दे रहे हैं। तो यही क्या है इसका वेरिएशन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी वेरिएशन आता है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि सेक्सुअल आइसोलेशन के कारण भी वेरिएशन आता है। ये देखिए सेक्सुअल आइसोलेशन में किस तरीके से होगा, ये यहां पर आप देखिए कि भाई हम ये बोलते हैं कि मान लिया जाए ये दो मानव समूह है, ये क्या हो गया आपका ये दो मानव समूह है। अब ये मानव समूह ये क्या है आपका, एक मानव समूह आपका यहां पर सर्वाइव कर रहा है, आयसन ये एक मानव समूह सर्वाइव कर रहा है और दूसरा मानव समूह क्या है आपका ये इधर ये सर्वाइव कर रहा है, ये दूसरा मानव समूह आपका हो गया ठीक। तो अब यहां पर देखिए भाई मैरिज रिलेशन किनके बीच में होगा, ये जो मानव समूह है आपस में यहां पे मैरिज रिलेशन करेगा, इसके साथ तो मैरिज यहां पे नहीं कर रहा है ये, मतलब ये इसके साथ क्या कर रहा है सेक्सुअल आइसोलेशन, मतलब लैंगिक रूप से इसके साथ पृथककरण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के एक लंबे समय के पश्चात यहां पर जो पूरी पॉपुलेशन होगी और ये जो पूरी पॉपुलेशन रहेगी दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न दिखाई देंगे। जैसे आज हम बोलते हैं कि आज हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है कि जो ह्यूमन रेस है या जो मानव प्रजाति तीन कैटेगरी में डिवाइड है, आपका अफ्रीकन जो है उनको अपन क्या बोलते हैं निग्रोइड, उसको अपन क्या बोलते हैं निग्रोइड। इधर आपका जो यूरोपियन है यूरोपियन को अपन क्या बोलते हैं काकेसॉइड, और हम लोग क्या हैं मंगोलॉइड।
तो अभी हम तीनों मानव प्रजातियां हैं, लेकिन आने वाले 15,000 साल 20,000 साल के बाद यदि हम देखेंगे तो जो निग्रो हैं वो पूर्ण रूप से अलग दिखाई देंगे, जो यूरोपियन पॉपुलेशन है टोटली डिफरेंट दिखाई देगी, और मंगोलायड बिल्कुल अलग प्रकार की मानव प्रजाति दिखाई देगी। मतलब तीन एक अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगी। तो ये तीन स्पीसीज बनेगी अलग अलग, उसका कारण क्या होगा? सेक्सुअल आइसोलेशन। तो ये सेक्सुअल आइसोलेशन भी एक कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी वेरिएशन होता है और सेक्सुअल आइसोलेशन के कारण भी अपने को वेरिएशन दिखाई देता है। तो सेक्सुअल आइसोलेशन कोई मत थोड़ी देर में और यहां पर डिफाइन करूंगा क्या होता है। चलिए अब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये अपने को क्लियर हो जाता है, हमको अभी समझना है सेक्सुअल आइसोलेशन को समझना है कि सेक्सुअल आइसोलेशन के कारण अपने को दो प्रकार की स्पीसीज बनती है। ध्यान रखना ये आपका, हमने बोला कि आपका ये सेक्सुअल आइसोलेशन, ये हुआ सेक्सुअल आइसोलेशन, ये इसको हिंदी में अपन क्या बोल देंगे, ध्यान रखना है आपका ये लैंगिक पृथक्करण। आपको ध्यान रखना है सेक्सुअल आइसोलेशन मतलब जैव विविधता का एक कारण है और इस कारण से अपने को दो प्रकार की स्पीसीज उत्पन्न होती है, दो प्रकार की जातियों का निर्माण होता है। एक अपन बोलते हैं क्या यहां पर आपका ये सिंपैट्रिक स्पीसीज, इसको अपन क्या बोलते हैं सिंपैट्रिक स्पीसीज, और दूसरे को अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना यहां पर ये एलोपैट्रिक स्पीसीज। सिंपैट्रिक स्पीसीज और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एलोपैट्रिक स्पीसीज हो जाएगा। देखिए सिंपैट्रिक स्पीसीज बोलने का मतलब क्या है कि ये देखिए ये हो गया आपका एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं और लैंगिक पृथक्करण का प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब एक ही मतलब सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं उसके बाद भी सेक्सुअल आइसोलेशन शो कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि हम एक शहर में रह रहे हैं लेकिन गुप्ता ब्राह्मण से मैरिज नहीं कर सकता या जो ब्राह्मण है किसी अदर कास्ट में मैरिज नहीं कर सकता, मतलब एक ही जगह में रह रहे हैं उसके बाद भी सेक्सुअल आइसोलेशन शो कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा कि जो गुप्ता है एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर शो करेंगे, जो ब्राह्मण है वो अलग प्रकार के कैरेक्टर को शो करेंगे, या जो अदर कास्ट के लोग हैं बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर को शो करेंगे। मतलब अभी सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं उसके बाद भी आने वाले 20-25,000 साल के बाद अपने को अलग अलग प्रकार की मानव प्रजातियां यहां पर दिखाई देंगी। मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग यदि इसको हम डिफाइन करते हैं तो एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करते हैं इसको कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहने के बाद भी यदि सेक्सुअल आइसोलेशन हो तो इससे किस प्रकार की स्पीसीज का विकास होगा, हमारा आंसर क्या होगा सिंपैट्रिक स्पीसीज। आयतन में मतलब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने के बाद भी सेक्सुअल आइसोलेशन का प्रदर्शन हो रहा है, लैंगिक पृथक्करण प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उससे बनने वाली जो नई जातियां हैं वो क्या कहलाएंगी, हम आंसर क्या देंगे यहां पर सिंपैट्रिक स्पीसीज। दूसरा क्या होता है एलोपैट्रिक स्पीसीज। एलोपैट्रिक स्पीसीज बोलने का मतलब यह है ये नदी तालाब वगैरह कोई भी आ गया ये क्या है जियोग्राफिकल बैरियर्स है आयतन में। तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि भाई जियोग्राफिकल बैरियर्स के कारण यदि सेक्सुअल आइसोलेशन है तो उसके कारण कौन सी स्पीसीज बनेगी, हमारा आंसर क्या होगा एलोपैट्रिक स्पीसीज। मतलब सेक्सुअल आइसोलेशन का कारण यदि भौगोलिक अवरोध है कि भाई आज हम ये बोल रहे हैं कि अमेरिका में हम मैरिज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, बीच में समुद्र है पर्वत है तो हम उसको क्रॉस करके नहीं जा सक रहे हैं वहां तक का, इसलिए हम मैरिज रिलेशन कहां कर रहे हैं आपका अपने देश में ही कर रहे हैं या अपने शहर में कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जियोग्राफिकल बैरियर्स या भौगोलिक अवरोध के कारण यदि लैंगिक पृथक्करण हो रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली नई जातियां एलोपैट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं। आयतन में मतलब व्हेन द रीजन ऑफ सेक्सुअल आइसोलेशन इज जियोग्राफिकल बैरियर्स देन न्यू स्पीसीज आर नोन एज एलोपैट्रिक स्पीसीज। आया समझ में अच्छे तरीके से? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये हुआ सिंपैट्रिक स्पीसीज और उसके बाद आपका एलोपैट्रिक स्पीसीज। तो ये सिंपैट्रिक स्पीसीज बने चाहे एलोपैट्रिक स्पीसीज बने फाइनली न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन मतलब स्पीसीएशन एंड स्पीसीएशन इज द रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब जैव विविधता के विकास का एक कारण क्या है आपका स्पीसीएशन। तो ये मैं समझता हूँ स्पीसीएशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या है,
सिंपेट्रिक स्पीसीज क्या है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे आप अपने सिलेबस में, उसमें लिखा रहेगा जेनेटिकल स्पीसीज। तो जेनेटिकल स्पीसीज बोलने का मतलब क्या है कि भाई न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन का यदि कारण जेन्स जीन्स है, जेनेटिक्स है, तो उसके कारण जो न्यू स्पीसीज बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे यहां पर, जेनेटिकल स्पीसीज बोला जाएगा। या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण यदि आपका न्यू स्पीसीज फॉर्म हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहां पर, एनवायरमेंटल स्पीसीज या इकोसिस्टम स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। भाई जैसे आज हम ये बोल रहे हैं कि भाई निग्रो अलग दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका एनवायरमेंट क्या है, अलग है। मोस्टली वो इक्वेटर के आसपास रह रहे हैं, भूमध्य रेखा के आसपास रह रहे हैं, तो भूमध्य रेखा के आसपास रहने के कारण उनमें अलग प्रकार का करैक्टर दिखाई दे रहा है, और जो लोग भूमध्य रेखा से दूर रह रहे हैं उनमें अलग प्रकार का करैक्टर दिखाई दे रहा है। मतलब यूरोपियन पॉपुलेशन या हम निग्रोइड की बात करें तो दोनों में जो अपने को डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो, उसका मेन रीजन क्या है आपका, तो उसका मेन रीजन क्या है, एनवायरमेंट में डिफरेंस। दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग है, उसके कारण उसमें वेरिएशन आया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इकोसिस्टम स्पीसीज बोला जाएगा। और यदि जेनेटिक्स के बेस पे भी अपन बात कर रहे हैं कि भाई जेनेटिक्स के बेस पे भी अपन बात कर रहे हैं वेरिएशन आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, जेनेटिकल स्पीसीज कहलाएगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ध्यान रखना, उसमें पूरा आपको स्पीसीज के बारे में डिटेल बताएंगे कि जेनेटिकल स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है और एनवायरमेंटल स्पीसीज किस तरीके से फॉर्म होती है। तो कंटिन्यूअस आप वीडियो देखते रहेंगे और साथ में आपके जो व्यू हैं उसको भी आप हमको प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।